नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ राजश्री थवाइत। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। तो गोरक्षा पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र पर गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजन किया है। इसके बाद सीएम योगी ने माँ दुर्गा स्वरूप नौ प्रतीकों की कन्याओं को अपने हाथों से प्रसाद भी बांटा और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। माँ भगवती के नौ स्वरूपों की प्रतीक नौ कन्याओं और एक बटुक भैरव के पांव पखार कर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में पहुंचे अन्य बच्चों को भी उसी श्रद्धा भाव के साथ भोजन करवाया गया और विदाई भी इनकी की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही आमंत्रित करीब 100 से ज्यादा कन्याएं पूजन स्थल पर पहुंच गईं। सबसे पहले उन्होंने थार में कन्याओं को और एक बटुक भैरव को बारी बारी से खड़ा कर उनके पांव पखारे। उसके बाद टीका लगाकर माला पहनाकर चुनरी ओढ़ाई और आरती भी उतारी। पूजा के बाद कन्या भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री एक एक कर सभी कन्याओं के पास गए और उनकी थाली में अपने हाथों से भोजन परोसा और बकायदा पूछ पूछ कर उन्हें खाना खिलाया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम दो तिथियों में आदिशक्ति माँ भगवती की विशेष अनुष्ठान का आयोजन वासंती नवरात्रि के रूप में सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर परंपरागत रूप से नौ दिनों तक आदिशक्ति माँ भगवती, जो इस चराचर जगत की आदिशक्ति है, के अनुष्ठान पूजन के उपरांत मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए कुमारी कन्याओं की पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी आज देश भर में मनाई जा रही है। ये त्यौहार भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्म के उपलक्ष में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी चैत्र मास के नौवें दिन मनाई जाती है। अयोध्या में भी रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान राम का सबसे पहले दूध से अभिषेक किया गया, जिसके बाद भगवान रामलला की आरती उतारी गई। आरती उतारने के बाद उन्हें 56 व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। साथ ही करीब 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी के साथ सभी प्रकार के मेवा और फल का भोग यहां पर लगाया गया। भोग का प्रसाद रामलला के भक्तों में बांटा गया। रामनवमी के मौके पर पूरी रामनगरी राम में नजर आ रही है। हर तरफ राम राम के नारे ही गूंज रहे हैं। नवरात्र में माँ शक्ति के नौ रूपों की आराधना की जाती है। नवमी के दिन सकल सिद्धि को प्रदान करने वाली माँ की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ की कृपा जिसे मिल गई वो सुख और समृद्धि का प्रतीक हो गया। माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी आराधना के साथ ही नवरात्र व्रत का पारायण होता है। देखिए खास रिपोर्ट। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ बतलाई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री माँ है। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान तमस असंतोष आदि से निकाल कर स्वाध्याय उद्यम उत्साह कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है और नैतिक व चारित्रिक रूप से सबल भी बनाता है। हमारी तृष्णाओं व वासनाओं को नियंत्रित करके हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए हमें स्वयं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। नवरात्र के नौवे दिन भगवती के सिद्धिदात्री रूप की देव यक्ष किन्नर दानव ऋषि मुनि आदि सभी आराधना करके अपने जीवन में यश बल और धन की प्राप्ति करते हैं। ये देवी उन सभी को अष्ट सिद्धियां भी प्रदान करती है जो सच्चे हृदय से उनकी आराधना करते हैं। वासंतिक नवरात्र भगवती सिद्धिदात्री के रूप में हम लोग भगवती की पूजा करते हैं और सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड नायिका राजराजेश्वरी माँ विंध्यवासिनी भगवती यहाँ विराजमान है। भगवती सभी श्रद्धालुओं को सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करती हैं और सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकृतिता ऐसा वर्णन शास्त्र के अनुसार है।
सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से आने वाले भक्त मां का दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं। धाम में आने पर असीम शांति मिलती है। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विंध्यवासिनी माँ का दरबार है, हम लोग हमेशा आते हैं। हर साल की भांति इस साल भी आए हुए हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, दर्शन हम लोग का अच्छा से हुआ। नवरात्र में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप का दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होता है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का 3रा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया, जो 10 बजे से शाम 4 बजे तक यानी कि अब खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि जन आरोग्य मेले का शुभारंभ होने से एक ही स्थान पर लोगों को डॉक्टर, डायग्नोस्टिक और ड्रग की सुविधा मिल जाएगी। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज 3रा दिन। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो सीएम योगी है गोरखपुर में ही मौजूद हैं और कल उन्होंने वोट भी डाला था। आज नवरात्रि के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज उन्होंने कई सौगात भी दी है। पीएससी जंगल कौड़िया में आज मेले का शुभारंभ इन्होंने किया है, जहां पर सभी तरह के जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो एक ही जगह मौजूद हो जाएंगे आरोग्य मेले के अंतर्गत। हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में बेहतरीन कार्य करके अपने आप को साबित किया है। ये सामूहिकता की ताकत है, अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है। जब आपस में मिलकर के हम किसी एक कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे और उतने ही रोचक होते हैं। और यह हम लोगों ने यहां पर इससे पहले मस्तिष्क ज्वर जैसी घातक बीमारी में देखा है, जिस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक संसाधन 70 वर्षों में उपलब्ध नहीं हो पाए। केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के मात्र 4 वर्ष के अंदर इस घातक बीमारी का पूरी तरह समूल उखाड़ने में सफलता प्राप्त की और आज मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र में नाम मात्र का बचा है। हम थोड़ी भी सतर्कता बरतेंगे, हम लोगों ने 2 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, हम थोड़ी भी सतर्कता और सावधानी इसमें बरत ले तो अगले 1 वर्ष के अंदर 2 वर्ष के अंदर हम इंसेफ्लाइटिस को यानी मस्तिष्क ज्वर को सदैव के लिए समाप्त करने का एक बेहतरीन मॉडल देश और दुनिया के सामने दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी चुनाव के दौरान वो बसपा के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन पूर्व सीएम मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपने बिखरे घर नहीं संभाल पा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल का मुझे सीएम बनाने का बयान गलत है। मायावती ने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयानों का खंडन करती हूं और किसी पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी के मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है तो उससे इस पार्टी के विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व उन्हें सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। चाहे कांग्रेस बोले, चाहे बीजेपी बोले, चाहे सपा बोले, हमारा कार्य करने का तरीका अलग है, उसे हम किसी भी कीमत पर या किसी के कहने से
हम बदलने वाले नहीं है। विस्तार से जैसे कांग्रेस पार्टी का अपना काम करने का तरीका है, कोई मामला होता तो गली कूचों में चले जाते हैं, चौराहों पर बैठ जाते हैं, बस वह घाट यात्रा निकाल कर किस्म किस्म के नाटक आदि करते रहते हैं। ये हमारी पार्टी में भी करती है। इसके साथ ही संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी अचानक उठकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गले चिपक जाते हैं, तो ये सब हमारी पार्टी नाटक नहीं करती है। चले बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज का यहाँ पर सम्मान किया है। आपको बता दें कि शपथ भारद्वाज को सम्मानित आज किया गया। शपथ भारद्वाज ने पेरू के लिमा में आयोजित ISSAF विश्व कप जूनियर वर्ग ट्रैप शूटिंग की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हरिद्वार स्थित नकलंक धाम आश्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा शुरू होने को लेकर कहा कि चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने वाली है, क्योंकि दो वर्षों से चार धाम यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार चार धाम यात्रा में जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे उनके सुविधा हेतु यात्रा में कोई कमी ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा की शुरुआत होनी है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर क्या नीति है, तब मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो भी समाज हित में निर्णय होगा वो अवश्य लेंगे। इस बार की चार धाम यात्रा में श्रद्धालु और यात्री बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। पिछले वर्षों की तुलना में चूंकि दो वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण, इस बार यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम हो, आसान और आरामदायक हो, किसी को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए हम समुचे प्रबंध कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई बात मेरे सामने आई नहीं है, और कहीं भी ऐसा जो भी होगा, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में, संत समाज के, धर्म के हित में जो भी निर्णय होगा हम वो निर्णय लेंगे। हमने अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करने के उस पर अपनी प्रारंभिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आगे भी जो जरूरी होगा उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के जनसंख्या के घनत्व को बचाने के लिए, यहाँ की जो संस्कृति है, धर्म है, जो हमारे यहाँ की देवभूमि की जो अपनी मान्यता है, उन सभी को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जो जरूरी हो। पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। महीना अप्रैल का है और उत्तराखंड गर्मी से बेहाल है। हल्द्वानी का तापमान अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में कैद हैं और गर्म हवाएं चलने से सड़कों पर आवाजाही कम होने लगी है। पहाड़ों की तरफ जंगलों में आग लगने की वजह से तापमान में और वृद्धि हो गई है। उमस से आम जनता का हाल बेहाल हो गया है। वैसे में डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि यदि गर्मी से बचाव करना है तो पानी और जूस ज्यादा मात्रा में लें, बाहर की चीजों को खाने से बचें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर हर सेक्टर की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। इनमें से एक महत्वपूर्ण हेली सर्विस को लेकर भी तैयारियां पूरी हो गई है और ऑनलाइन टिकट खोल दी गई है। उत्तराखंड में आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार शुरू हो रही चारधाम यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बात चाहे प्रदेश में नई सरकार के गठन की हो या फिर COVID-19 महामारी के बाद शुरू होने जा रही पहली ऐसी यात्रा की जो बंदिशों रहित होने वाली है, ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा हेली सेवाओं की बुकिंग के लिए भी गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग खोल दी गई है। यात्रा को लेकर यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री भी कहते आए हैं कि इस बार चार धाम यात्रा को देखते हुए प्रशासन जो है पुख्ता इंतजाम करने वाला है, क्योंकि इस बार जो यात्री हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। चार धाम यात्रा को लेकर हर सेक्टर में तैयारी की जा रही है। वैसे ही हेली सर्विस को लेकर भी तैयारियां शुरू की गई है, ऑनलाइन टिकट भी खोल दी गई है।
वीकेंड पर काबिट में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। हालात ये है कि काबिट के आसपास रिजॉर्ट फुल चल रहे हैं। काबिट में वन्य जीवों के दीदार के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के जमावड़े को देखकर पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। साथ ही यहाँ जो पानी की समस्या थी उसे भी काबिट के माध्यम से दूर कर दिया गया, यानी कि वन्य जीवों का भी यहाँ पर गर्मी के दिनों में ख्याल रखा जा रहा है। अब जितना यहाँ पर आओ एडिक्शन ही है, जितना यहाँ पे एंजॉय कर सकता है इंसान आदमी कर सकता है। स्पेशली यहाँ के जितने रिजॉर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एम्बियंस इतना अच्छा है इस जगह का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ के वाइल्ड लाइफ गेट्स हैं इंक्लूडिंग दिकाला, बिजरानी, झरना, डेला, गर्जिया, सुपर्ब है। टूरिस्ट इसलिए ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि दिल्ली हरियाणा यहाँ सब क्लोज पड़ता है, तो हार्डली तुम 4-5 आवर्स में यहाँ पर पहुंच जाते हो, तो इस वजह से भी काफी रश भी रहता है, सब कुछ है, और रिजॉर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद है ये जगह। आफ्टर कोरोना इस समय तो इतना बूम हुआ है कि सारे वीकेंड पैक्ड हैं, और जो 14-15-16 वाला गुड फ्राइडे वाला वीकेंड है उसमें ऑलमोस्ट कोविड के जितने भी रिजॉर्ट्स होटल्स हैं वो सारे पैक्ड हैं और सारी सफारी फुल हो चुकी है। लोग यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं सफारी का और आनंद लेने के लिए आते हैं, जिसमें सबसे फेमस दिकाला जोन है, वहाँ घूमने। इस समय गर्मी का टाइम है, हाथियों की झुंड के झुंड दिखाई दे रहे हैं, टाइगर की बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है इस समय, और टूरिज्म बहुत अच्छा है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।